एक्टर स्केच मिला था ऑडिशन के टाइम पे, तब उसमें ऑलरेडी कैरेक्टर का नाम देव था और उसका देवी था, तो वो डायरेक्टर ने कुछ सोच लिया था. इट्स बिकॉज दिल्ली के नाम है, आई थिंक ही थॉट के दे वर पावरफुल नेम्स, दैट्स व्हाई ही कैन बोला पाते कि वो रैंक नहीं होते हैं साथ. 85-86 में एक मूवी आई थी, नाम था अर्जुन, उसमें एक सनी देओल को जन्म हुआ था. कुछ ऐसी कहानी पिक्चर के लिए मैं सोच रही हूँ कि क्या इसमें से भी कोई एक देव पैदा हो. चारों ही यहाँ पैदा हो चुके हैं अभी चारों, और बहुत सारी मूवियाँ हैं जिसमें बहुत सारे अच्छे कलाकारों ने काम किया, चाहे रंग दे बसंती है, चाहे 3 Idiots तो. लेकिन बहुत और भी मूवीज आई है, लेकिन लाइक सनी देओल अर्जुन की थी तो एक निकला था उसमें. हम चारों में चाहूँगा कि चारों में चारों निकले तो बहुत अच्छा होगा. बहुत प्रोवोकिंग इनफैक्ट सॉल्यूशन है पिक्चर के अंदर अगर, और बहुत इंस्पिरेशन है पिक्चर में, बहुत थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें हैं कि अगर आप, और हम तभी सक्सेसफुल फील करेंगे जब लोग पिक्चर देख के निकलेंगे. और अगर When you see the film, you will see that these four, they are not trying to make a change. उनको रीच नहीं करेंगे ये सब वो करो, वो खुद क्या करते हैं. और वो बड़ी अच्छी पूरा ट्रीटमेंट में कॉमेडी भी है इसमें, अमेजिंग गाने भी हैं. तो एक हमने अपना मैसेज, एक बहुत एक जो मैसेज है इस पिक्चर में वो भी हमने दे दिया है, और एक ऐसे ढंग से दिया है कि ये हम लोगों को बोर नहीं कर रहे, कि आओ मस्ती भी करो, एंटरटेन भी हो और मैसेज लेके थॉट भी कर रहे. जवान जैसे हैं, 21 years old आउट ऑफ कॉलेज, दे हैव ड्रीम्स, दे हैव एस्पिरेशंस, दे एंबिशियस. लेकिन एक टाइम आता है कि एक सिचुएशन में ये लोग फंस जाते हैं. उनका जो ये चार कैरेक्टर्स चौटाला नाम के कैरेक्टर से उनका मिलन होता है, एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग गोज डाउन हिल. दे गेट टू अ वर्ल्ड ऑफ करप्शन, पॉलिटिक्स. यू विल बी एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज यू सी दिल्ली लाइक नेवर सीन बिफोर. एंड द वे दीज फोर फ्रेंड्स गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, द डिसीजंस दे टेक, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट दे शोल्डर, दैट्स व्हाट फगली इज ऑल अबाउट. For us, Fugly, the F in Fugly stands for fight, fight against the ugly. And obviously, ugly तो सब बंदे चीजें हैं जो एक dysfunctional system में हो रही हैं. क्या गया है इसके लिए? बिल्कुल, लेकिन वो तो आपको फिल्म देख के ही आपको पता चलेगा कि क्या solution निकलता है उससे, और किस तरीके से ये चार दोस्तों वो क्या decision लेते हैं कि जो उन्हें भी महान कर देता है that they take out this solution. So 13 वो जो solution है picture के अंदर, अगर और बहुत इंस्पिरेशन है पिक्चर में, और बहुत थॉट प्रोवोकिंग चीजें हैं कि अगर आप, और हम तभी सक्सेसफुल फील करेंगे जब लोग पिक्चर देख के निकलेंगे, और अगर उनका घर जाके यू नो वो बात उनके दिमाग में लहराएगी वापस, तो इसका मतलब हमारा काम सही हो गया. पर हमने हमने बहुत इंस्पिरेशन और बहुत तरीके पिक्चर में डाले भी हैं, वो भी दिखाया कि फगली से आपको ये पता चलेगा कि एक बहुत फाइन लाइन है टू मेक अ चेंज एंड टू बी द चेंज. एक बहुत ही पतला लाइन है उसमें. So when you see the film, you'll see that these four, they're not trying to make a change. हम लोग प्रीच नहीं करें कि ये करो वो करो, वो खुद क्या करते हैं. और वो बड़ी इंस्पिरेशन बनेगी जब आप निकलोगे, तो आपका भी जो सारे सवाल हो गए आपके दिमाग में जो कंट्री में हो रहा है या जो करप्शन के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, जो भी है, आपको भी अपना सोल्यूशन मिलेगा इस फिल्म के थ्रू. और ये सब एक बहुत लाइट हार्टेड तरीके से, एक इसमें पूरा ट्रीटमेंट में कॉमेडी भी है, इसमें अमेजिंग गाने भी हैं. तो एक हमने अपना मैसेज, एक बहुत एक जो मैसेज है इस पिक्चर में वो भी हमने दे दिया. नागेश जी, पहले आप इनसे बात ना करवा दीजिए, एंड वी विल स्टार्ट क्वेश्चन. इंदौर में और अभी इंस्टीट्यूट में गए तो जो एनर्जी थी, आई थिंक इंदौर का शो हो गया, सलमान भाई का शहर है इंदौर, और हम यहाँ आए हैं अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए जो June 13 को आ रही है. इसका नाम फगली है, और आप यू कैन देख सकते हैं हम लोग, मोहित है, कियारा है, अर्फी है, और मैं विजेंद्र सिंह हूँ. तो आई होप कि आपके म्यूजिक और जो ट्रेलर आया है लाइक क्या होगा, आपने पसंद किया होगा. आप सब ने ट्रेलर देखा है, फगली का मतलब क्या है? लेकिन हमारा जो टेक है फगली पे, द एफ स्टैंड्स फॉर फाइट. ये चार दोस्त है जो हुआ फाइटिंग अगेंस्ट दी अगली, और अगली वो है जो एक डिसफंक्शनल सिस्टम है, करप्शन है, पॉलिटिक्स है, जो भी है. तो ये चार दोस्त एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जिसके वजह से उन्हें उसी कैसे उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलते हैं वो उनकी लड़ाई है. और वो दैट्स द फाइट बेसिकली. हेलो, यस,
तो आप गलती जो सारी गलती है उसको कैसे ये चार दोस्त एक सिचुएशन में फंसते हैं और साथ में मिलके कैसे उस सिचुएशन से क्या डिसीजंस लेते हैं जिनसे वो बाहर आते हैं नहीं आते हैं क्या उनके लिए वर्क करता है क्या नहीं करता जो उनकी पूरी जर्नी है उसके ऊपर ये फिल्म है दैट इज फकी जहां जहां भी हम गए पहला सवाल उनसे सबने यही पूछा है कि भाई ये फकी फकी क्या है